व्यूअर्स, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे हर किसी को, आमीन। आज मैं ये एक मास्क बनाने लगी हूँ कपड़े का। कपड़े को मैंने अच्छी तरह धो के गर्म पानी के साथ तो सुखा के फिर आयरन किया, तो फिर ये मैंने सिया है। तो मैं इसकी कटिंग बताती हूँ किस तरह ये काटा है। एक ये रेडीमेड पड़ा हुआ है, इसका साइज़ लेके भी काट सकते हैं। ये मैंने पेपर लिया है एक 1.25 इंच का, इस तरफ को ये 7 इंच है, ये दोहरा फोल्ड किया। फिर इसको ऐसे 4 तह हो गई, ये देखें। इस तरह काट के रख के तो यहाँ से तकरीबन 1.5 इंच 1.5 सेंटीमीटर के हिसाब से ये इस तरह यहाँ से थोड़ी सी गुलाई कर लेनी। ये इस तरह काट के तो फिर कपड़े के ऊपर रख के तो काट लेना। मैंने ये काट लिए, इस तरह रख के तो काट लिए कपड़े को। ये भी अच्छी तरह धो के तो सुखा के आयरन करके फिर मैंने इसको काटा है। अब मैं इसको सी के बताती हूँ। ये लास्टिक है, लास्टिक अगर ना हो तो यहाँ कपड़े की डोरी बना के भी लगा सकते हैं। तो मैं ये सीना बताती हूँ। इस तरह इधर से सी के दूसरी साइड से भी सी लूंगी। धागा काट के यहाँ हल्के हल्के टक लगा। फिर इसको सीधा करके दोनों साइडों से सीधा करके अच्छी तरह यहाँ से प्रेस करके लेंगे।
ये जो सिलाई की है इन दोनों को ऐसे इधर इस तरह मिला के यहाँ से भी सिल लेंगे। यहाँ से इतना गैप रख के तो बाकी मैं सी लूँगी। यहाँ से सिलाई बिल्कुल बराबर करके अब मैं इसको पलट लूँगी सीधा करके। ये कोने जो है कैंची से अच्छी तरह इस तरह सीधे कर लेते हैं। ये इस तरह बन गया। अब इसको सारा ऊपर से ये मैं पक्की सिलाई कर दूँगी यहाँ से। इस तरह फोल्ड करके दोनों तरफ से तो ऊपर से सिलाई कर दूंगी।
से भी ऐसे सिलाई करो। यहाँ पे ऐसे इलास्टिक रख के तो इसको यहाँ से सी देंगे, इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं करनी। इधर दूसरी तरफ भी मैं इसी तरह इलास्टिक लगा लूँगी, इस तरह दोनों तरफ इलास्टिक लगा के तो यहाँ पे गिरा लगा लेती हूँ। इधर भी ऐसे ही पकड़ के गिरा लगा लें। ये जो गिरा लगाई है इसको ये नेफा सा बनाया है जो फोल्ड किया है हमने, उसके अंदर ऐसे कर लेंगे। दूसरा भी ऐसे इधर से ज़्यादा ही टाइट है, दूसरी तरफ से कर लेते। ये इस तरह बन गया। इसमें चाहें तो इस तरह एक टिश्यू रख के इसके अंदर, तो ये वॉशेबल हैं, दो के प्रेस करके दोबारा बंदा यूज़ कर सकता है। ये एक हो गया। दूसरा जो है ये जो है इसकी लेंथ 26 सेंटीमीटर है
और सतारा इसकी है इधर विड्थ लंबाई चौड़ाई 17 और इधर 26। अब मैं ये सी के बताती हूँ इसके, ये यहाँ पे 1.5 इंच के निशान लगाए हैं, निशान लगा के तो इस तरह फिर इनको काट लेना। ये चारों तरफ से ऐसे ही काट लूँगी मैं 1.5 1.5 इंच के। ये चारों तरफ से मैंने काट ली इस तरह। अब यहाँ से ऐसे सारे सिलाई कर लूँगी यहाँ तक, फिर दूसरी तरफ से भी यहाँ छोड़ देना है, ये जो है दोनों तरफ से इतना छोड़ देना है। दूसरी साइड भी इसी तरह सी लेनी। यहाँ पे एक एक दो दो टक लगा लेंगे, ये कॉर्नर से थोड़ा थोड़ा काट देंगे। ध्यान रहे ये सिलाई ना कटे, बस पास से हल्के हल्के टक लगा लेते हैं। अब मैं सीधा कर लूँगी इसको। कोने इसके ठीक कर लूंगी मैं। सीधा कर लिया मैंने।
से डेढ़ इंच के करीब ऐसे फोल्ड कर लेंगे, इधर से भी और इस साइड से भी। पहले मैं ये इधर से लास्ट लगाने के लिए फोल्ड कर लेती हूँ। दोनों साइडों से ऐसे ही फोल्ड कर लूँगी। कुछ इस तरह फोल्ड करना है, तकरीबन डेढ़ इंच के करीब ऐसे। इसमें मैं यहाँ पे इलास्टिक लगाऊंगी। यहाँ पे फिर दोबारा फोल्ड कर लेना है। इधर से भी ऐसे फोल्ड करके डबल सिलाई कर लेंगे।
ये इलास्टिक मैंने लगाया है, दूसरी तरफ लगा के फिर बताती हूँ। ये इधर भी मैंने इलास्टिक लगा लिया, ये कुछ इस तरह बन गया। वॉशेबल हैं, कॉटन के कपड़े के बनाए, इसमें भी यहाँ टिशू रख के तो ऐसे मास्क लगा सकते हैं। गर्द गुबार से बचने के लिए आजकल कोरोना का जो हुआ हुआ है उसके लिए ये पहने बना के, एक ये, एक ये बहुत आसान है, बना के बच्चों को भी दें, बाहर जाते वक्त जो भी बाहर जाए मास्क पहने। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन।